नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा धमाका होने से 13 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि वहां काम कर रहे कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमले के मामले में कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर ने उनकी ठाकुर सेना के ऊपर लगे हिंसा भड़काने के आरोपों से इनकार कर दिया। और मी टू कैंपेन के तहत एक महिला प्रोड्यूसर ने मशहूर अभिनेता आलोक नाथ पर रेप का आरोप लगाया, जिसके जवाब में आलोक ने सभी आरोपों को गलत बताया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने समर्थकों के साथ कोसी नदी के पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। जल सत्याग्रह नाम से किए गए इस प्रदर्शन के तहत आजम खान ने कोसी नदी पर बन रहे पुल के काम को रोके जाने की नाराजगी जताई और विरोध दर्ज कराने के लिए वो अपने कई समर्थकों के साथ नदी के पानी में खड़े होकर प्रोटेस्ट करने लगे। इस दौरान आजम खान खुद साथ में मौजूद लोगों को एक लाइन में खड़े होने के लिए कहते रहे और लोगों के नहीं मानने पर नाराज हो गए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अपने समर्थकों के साथ कोसी नदी के किनारे जमा हुए और एक लकड़ी के ब्रिज से होते हुए नदी के पानी में जाकर खड़े हो गए। आजम खान ने सीएम योगी पर जानबूझकर ब्रिज के लिए जारी किया गया फंड रोकने का आरोप लगाया। योगी जी आपकी उपलब्धि, मोदी जी आपकी उपलब्धि, बनता हुआ पुल रुक गया। आजम खान ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। ये जब वक्त बदलेगा तो आपके फ्रंट, आपके कराए हुए कामों पर भी एसआईटी बैठेगी और सीबीआई बैठेगी। उन्होंने 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया कि अगर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन तब तक शुरू नहीं हुआ तो 1 नवंबर को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल की पाबंदियों के खिलाफ छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू कर दिया। छात्राओं ने यह धरना प्रदर्शन पिंजरा तोड़ अभियान के तहत किया और छात्राओं ने शाम होते होते यूनिवर्सिटी के पास सड़क भी जाम कर दी। छात्राओं को सड़क से हटाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन जाम हटाना आसान काम साबित नहीं हुआ। पिंजरा तोड़ अभियान के तहत छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के सभी गर्ल्स हॉस्टल में वक्त की पाबंदी हटाने की मांग रखी। इससे पहले छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन किया। पिंजरा तोड़ अभियान के तहत छात्राएं न सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी बल्कि दूसरी यूनिवर्सिटी में भी हॉस्टल के नियमों के खिलाफ आवाज़ उठाती रही हैं। विमेंस हॉस्टल में कर्फ्यू का सिस्टम होता है, उसको हटाया जाए। बॉयज हॉस्टल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। छात्राओं ने दावा किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर वक्त की पाबंदी लगाकर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन छात्राओं ने इसके अलावा भी हॉस्टल से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्राओं का पिंजरा तोड़ अभियान पिछले करीब 3 वर्षों से जारी है, लेकिन इस बार छात्राओं ने दावा किया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा। छात्राओं की दलील है कि हॉस्टल में आने जाने पर पाबंदी का असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। लाइब्रेरी आपका 24/7 है, बट कर्फ्यू आपका 8 बजे है। किसी भी वक्त हॉस्टल में आने जाने की इजाज़त के अलावा छात्राओं ने योग्यता की बजाय जरूरत के हिसाब से हॉस्टल देने की मांग रखी। कानपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में परीक्षा देकर लौट रही एक छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद घटना के विरोध में उसके घर वालों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि तेज रफ्तार एक ट्रक ने वहां से गुजर रही उस छात्रा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद छात्रा के घर वाले स्पॉट पर जुट गए और हंगामा करने लगे, इससे पहले कि वो ट्रक ड्राइवर को दबोच पाते कि वो फरार हो गया। इस बात पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हंगामे के बीच छात्रा के घर वालों में एक आदमी ने एक पुलिस ऑफिसर के साथ बदसलूकी कर दी। बात बढ़ती चली गई और पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूलते गए। काफी समझाने के बाद भी जब हंगामा कर रहे लोग शांत नहीं हुए तो उन्हें कस्टडी में लेने की कोशिश की गई। पुलिस वाले हंगामा कर रहे लोगों को धक्का देते हुए भी नजर आए, लेकिन हादसे का शिकार हुई छात्रा के घर वालों ने उनका विरोध जारी रखा। इस हंगामे की वजह से काफी देर तक छात्रा की बॉडी सड़क पर ही पड़ी रही। दावे के मुताबिक जिस तेज रफ्तार ट्रक के कुचलने से छात्रा की मौत हुई उसके ड्राइवर को बाद में अरेस्ट कर लिया गया।